हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी डिस्कवर न्यू टॉपिक दैट इज ओजोन डिप्लेशन। देखिए, ओजोन डिप्लेशन जो है 1985 के अंदर ऑब्जर्व किया गया एक होल को अंटार्कटिका कंटिनेंट्स के ऊपर, और वहाँ पे जो अक्टूबर 1985 के अंदर ऑब्जर्व किया गया था उसका नाम दिया गया ओजोन होल। क्या नाम दिया गया? ओजोन होल। सबसे पहले नासा के सैटेलाइट ने इसको ऑब्जर्व किया था। अब जो ओजोन होल होता है, ओजोन होल स्पेशली इन द स्प्रिंग सीजन के अंदर ये फॉर्म्ड हुआ था, और वहाँ पे जो डेप्थ थी, जो थिकनेस थी ओजोन की, ओजोन लेयर की, वो जस्ट ओनली 95 डॉप्सन यूनिट थी। जनरली जो ओजोन लेयर होती है उसकी जो थिकनेस होती है जनरली 1000 से क्रॉस होती है। उसकी जो डेप्थ होती कितनी होती है? जनरली 1000 डॉप्सन यूनिट से क्रॉस होती है। बस जस्ट वहां पे क्या थी, जस्ट 95 डॉप्सन यूनिट थी, तो इसका मतलब वहां पे क्या हो चुकी थी, थिकनेस काफी ज्यादा कम हो चुकी थी। इसे नाम दिया गया ओजोन होल। क्या नाम दिया गया? ओजोन होल। क्या था इसके बारे में? अक्टूबर 1985 में सबसे पहले ओजोन होल को स्टडी किया गया था और ऑब्जर्व किया गया था इसको, ओजोन होल को। कहां पे ऑब्जर्व किया गया था? अंटार्कटिका इन स्प्रिंग सीजन। कौन सा सीजन था? स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन में, राइट? और इसी क्या टर्म किया गया, इसे ओजोन होल बोला गया। अब ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो इसको इफेक्ट करते हैं? फैक्टर विच डिप्लीट ओजोन लेयर। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो ओजोन लेयर को तोड़ रहे हैं? अब देखिए, उन फैक्टर्स में कौन कौन से हैं? ऐसे फैक्टर्स में सबसे कॉमन फैक्टर आपको मिलेगा, लाइक फर्स्ट फैक्टर द सीएफसी। सीएफसी इज द क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरो फ्लोरो कार्बन, ये सबसे पहला फैक्टर है। सम अदर फैक्टर लाइक एरोसोल, एरोसोल्स, ये भी क्या करता है, सबसे मेन फैक्टर होता है यहाँ पे सीएफसी। एंड सेकेंड फैक्टर द एरोसोल, ये जो कॉमन फैक्टर होते हैं जो क्या कर रहे हैं, ओजोन लेयर को तोड़ते हैं। अब किस तरह से यहाँ पे ये मैकेनिज्म काम करता है, किस तरह से तोड़ रहे हैं, लेट्स सी। देखिए, ओजोन जो होती है, ओजोन एज यू नो अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस आती हैं, अल्ट्रावायलेट जो रेडिएशंस आएंगी बी और सी टाइप की, थ्री टाइप होते ए बी सी, बी और सी टाइप की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होती है उसको नीचे नहीं आने देती, यानी स्पेशली अल्ट्रावायलेट बी रेडिएशन को अर्थ पे नहीं आने देगी, उसको रोक लेगी, जो कि वेरियस डिजीज लाइक स्किन कैंसर, लाइक स्नो ब्लाइंडनेस, इस तरह डिजीज कोज कर सकती है, उनको रोकती है ये ओजोन लेयर। अभी किस तरह से काम करती है, देखिए, जनरली ओजोन होती है O3 होती है। ओजोन, ओजोन क्या होती है? दिस द ओजोन, ओजोन द O3। O3 में क्या होगा, ये यूवी रेडिएशन आएगी, यूवी रेडिएशन इसको स्प्लिट कर देगी O2 में और नेसेंट ऑक्सीजन में, इस तरह तोड़ देगी। ये एक नेचुरल प्रोसेस होती है, यूवी रेडिएशन, इसने यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लिया और ये किसमें टूट गई, नेसेंट ऑक्सीजन और ओजोन वापस टूट गई। अब यहाँ पे क्या होता है, ये O2 और नेसेंट ऑक्सीजन वापस कंबाइन होकर वापस क्या बना देगी, O3 बना देगी। तो आप देख रहे हो ओजोन टूट भी रही है, यूवी रेडिएशन को ऑब्जर्व भी कर रही है और वापस ओजोन सेम बन रही है। तो ये तो है नेचुरल फिनोमेना जो होता है। अब सीएफसी की वजह से क्या हुआ, अब सेम एजी सीएफसी आई जो ह्यूमन रिलीज की, अब सीएफसी जब आई तो सीएफसी यूवी रेडिएशन की वजह से सीएफसी टूटी और ये गई स्पेशली क्लोरीन में, फ्लोरीन में और कार्बन में। जो क्लोरीन यहाँ पे एक रेडिएशन एजेंट का काम करता है, क्लोरीन यहाँ पे ज़्यादा हार्मफुल था। क्लोरीन ने क्या किया, जब ये प्रोसेस टूट रही है इस तरह से, जब ये प्रोसेस टूट रही थी तो क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन
ये जो ऑक्सीजन थी निसेंट ऑक्सीजन, इसके यहाँ जुड़ जाती है, जब ये जुड़ेगी तो CLO बन जाएगा ऐसे, राइट, ये फॉर्म हुआ। अब ये जब फॉर्म हुआ तो अब निसेंट ऑक्सीजन जो है यहाँ से गायब होगी, क्योंकि इसके यहाँ जुड़ेगी, अब नई ओजोन नहीं बन पाएगी, क्योंकि ये तो है ही नहीं, नई ओजोन फॉर्म नहीं होगी। इसी वजह से इससे लगातार ओजोन तो टूटती जा रही है, बट नई ओजोन क्लोरीन के कारण से यानी CFC के कारण से नई ओजोन यहाँ पे फॉर्म्ड नहीं हो रही है। तो यही रीजन था एक्चुअली ओजोन के लेयर के टूटने का। अब ये CFC जो होता है कहां से रिलीज करता है, कौन रिलीज करता है CFC को? CFC एंड एरोसोल रिलीज्ड बाय CFC और एरोसोल होते हो, किसके द्वारा रिलीज की जाती है? देखिए, इसका फर्स्ट फैक्टर होता है CFC जो है वो रिलीज की जाती है किसके द्वारा? जितने भी कूलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं घर पे, लाइक एयर कंडीशनर, AC इसको बोलते हैं, एयर कंडीशनर, AC, रेफ्रिजरेटर यानी फ्रिज जिसको बोलते हैं, रेफ्रिजरेटर, राइट, ये कॉमनली क्या करते हैं? CFC को रिलीज करते हैं। ऐसे ही जो एरोसोल जेट प्लेन के द्वारा रिलीज की जाती है। जेट प्लेन्स जो एरोप्लेन्स होते हैं उसमें जो जेट प्लेन्स होते हैं उनके द्वारा जनरली एरोसोल जो होते हैं वो रिलीज की जाएगी। तो ये मेन रिलीजिंग फैक्टर होते हैं जो इनको रिलीज करते हैं, राइट। अब ओजोन लेयर कहां प्रेजेंट है? ओजोन लेयर अगर हम देखें कि ओजोन लेयर क्या होती है, O3 लेयर प्रेजेंट अप्रॉक्स 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर अबो द सी लेवल। देखो इसके अलग अलग डाटा दिए जाते हैं, सम बुक से इट्स 18 किलोमीटर टू 40 किलोमीटर 38 किलोमीटर, सम बुक से इट्स 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर। देखो हर एक जगह पे अलग अलग मिलेगा, इसलिए मैंने रेंडमली दोनों को माना, क्योंकि सी लेवल पे जो आपको मिलेगी वो 15 किलोमीटर ऊपर मिल जाएगी, माउंटेन लेवल पे आपको 50 किलोमीटर मिल जाएगी। तो दोनों का मैंने आपको लिया है यहाँ पे, तो 15 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अबो द सी लेवल आपको देखने को मिलेगी ओजोन लेयर, राइट। अब ओजोन डिप्लीट हो रही है तो उसके क्या हार्मफुल इफेक्ट होंगे? ओजोन डिप्लेशन हार्मफुल इफेक्ट, डिप्लेशन हार्मफुल इफेक्ट क्या हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे इसके? इसके वेरियस हार्मफुल इफेक्ट्स होंगे। यूवी रेडिएशन अगर अर्थ पे आएंगे, यूवी रेडिएशन क्योंकि ओजोन क्या करती है, यूवी रेडिएशन को रोकती है। यूवी रेडिएशन कॉज स्किन कैंसर, ये स्किन कैंसर कॉज करेंगी, स्नो ब्लाइंडनेस कॉज करेगी, ये दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, स्नो ब्लाइंडनेस, राइट, ये कोज करेगी। इसके अलावा प्लांट के अंदर भी कोज करती है, यूवी रेडिएशन किल प्लांट्स, ये कुछ प्लांट्स को भी मार देती है, राइट।
तो ये इसके हार्मफुल इफेक्ट होंगे इसके ओजोन डिप्लेशन के, राइट? तो दैट इज अबाउट द ओजोन डिप्लेशन।